नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भिंड के अटे रोड पर रात्रि गश्त के दौरान बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में आरक्षक प्रशांत भदौरिया और मनीष तोमर को चोटें आई हैं। पुलिस ने आरक्षकों पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन लोगों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक देर रात गश्त पर निकले दोनों आरक्षकों ने दूध के टैंकर के पास खड़े चार युवकों से पूछताछ करनी चाही, तभी युवकों ने आरक्षकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे प्रशांत भदौरिया के सिर में गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने विवेक भदौरिया नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन आरोपी फिलहाल फरार हैं। रात्रि में हमला जो तकरीबन 1 बजे 1:15 बजे करीबन गश्त करते हुए जा रहे थे, रोड पर मतलब 4-5 व्यक्ति खड़े हुए थे। इनसे पूछा कि आप लोग क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कुछ सकारात्मक जवाब नहीं दिया। पूछने पर मतलब जो फिर मतलब जो गाली गलौज करके मतलब जो देने लगे, फिर भागे ही है। वापसी में हमने इनका पीछा किया, अंधेरे में गायब हुए। वापसी में मतलब जैसे ही आए वैसे ही इन्होंने मतलब जो है डंडे से हमला कर दिया। मतलब वहाँ से एक दूध का टैंकर दिखाई दिया जहाँ 3-4 लोग खड़े हुए थे। अब वो ऐसी जगह सुनसान जगह पर खड़ा हुआ था, तो उनको टोका, क्यों खड़े हो आप लोग, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तो बोले नहीं। जब वो उनने जवाब नहीं दिया तो हमारी पुलिस उनकी तरफ गई। जब उनकी तरफ गई तो वो भाग गए गलियों में, जो नीचे खड़े थे 3-4 लोग भागे। तो उनके पीछे कुछ दूर तक हमारी पुलिस पीछे गई, और जब कोई नहीं मिला तो लौट रहे थे वापस लड़के। लौटते में पीछे से जो विवेक भदौरिया है, जिसको रात में पकड़ लिया है, उसने बांस का डंडा मार दिया पीछे से सिर में। उसके बाद में अन्य पार्टियां भी पहुंची थी, तो तीन लोग और हैं, उनके घरों पर दबिश भी मिले नहीं है। भिंड से नीरव शर्मा, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए न्यूज आज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।